दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ये बात तो सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी पोस्टपोन हो गई है और इसके पोस्टपोन होने की वजह से अब काफी ज्यादा धक्का लगा है फैंस को। आपको बता दें कि फैंस इस फिल्म को पिछले साल से देखने के लिए बेताब थे और ये फिल्म जो है अब वापस से पोस्टपोन कर दी गई है, तो इस बात को लेकर वो बेहद दुखी हैं। लेकिन सिर्फ यही फिल्म नहीं, इस साल की कई फिल्में आगे खिसक सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार फिल्मों के ऊपर कहर पड़ा है कोरोना वायरस का। इस वायरस के बारे में तो आप लोग को पूरी तरह से पता है, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड को इसको लेकर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि आने वाली ज़्यादातर फिल्में खिसक चुकी हैं। जैसा कि सूर्यवंशी तो खिसक गई है, लेकिन अभी अप्रैल में रिलीज़ होने वाली फिल्म 83, जो कि वर्ल्ड कप पर आधारित थी, जिसमें रणवीर सिंह स्टारर थे, वो फिल्म भी आगे खिसक गई है। सूत्रों की अगर माने तो सलमान खान की फिल्म राधे को भी आगे खिसकाया जा सकता है। लगभग डेढ़ महीने के अंतराल में जितनी भी फिल्में रिलीज़ हो रही हैं उन्हें आगे खिसकाने की बातें चल रही है। वहीं अगर बात करें तो हॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा है। हॉलीवुड भी कई फिल्में पोस्टपोन कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस को भी अगले साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी के साथ बड़ी बड़ी फिल्में पोस्टपोन हो रही हैं, तो कई स्टार्स भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जैसे कि टॉम हैंक्स और उनकी वाइफ कोरोना की चपेट में है। हॉलीवुड स्टारर टॉम हैंक्स कई बड़ी पिक्चरें कर चुके हैं और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ये सबके साथ साझा किया कि वो अब कोरोना की चपेट के अंदर आ चुके हैं और सभी को सेफ रहने के लिए कहा। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि अगर बॉलीवुड की इतनी सारी फिल्में पोस्टपोन होती हैं तो इसे कितना नुकसान होने वाला है। अगर इस साल की शुरुआत की बात करें तो काफ़ी धीमी रही है। कोई भी फिल्म अपना बस बनाने में कामयाब नहीं रही। पिछले साल के मुकाबले ये साल काफ़ी ढीला ढाला जा रहा है, क्योंकि पिछले साल शुरुआत कर दी थी उरी ने और फिल्म बेहद शानदार तरीके से गई थी। इस साल अगर हिट फिल्मों की बात करें तो तानाजी के अलावा कोई भी ऐसी फिल्म नहीं है जिसने अपनी छाप छोड़ी हो, और अब कोरोना वायरस का कहर भी आ चुका है और इस कहर की वजह से कई बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अगर एस्टिमेट लगाएं और मूवी क्रिटिक्स की माने तो कम से कम 1,000 करोड़ का घाटा बॉलीवुड को लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही थी और पैसा पहले ही प्रमोशन में लगाया जा चुका था और अब पोस्टपोन हो रही है सारी चीज़ें, तो वापस से उन्हें इसी तरीके से काम शुरू करना होगा, जिस वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें भी आने वाली हैं। बहरहाल, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं, क्या कोरोना आउटब्रेक की वजह से फिल्मों को इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है तो बॉलीवुड के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ने वाला है, और आम जिंदगी पर तो इसका असर पड़ ही चुका है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देखो देखो को, जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि यही मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।